करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले मतलब ये जो सकस था वो एडहेशन में हेल्प करता था एंड द वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एस्टेरियाज वर्क्स ऑन ब्रह्मा प्रेस मैकेनिज्म यानी कि उसमें प्रेशर जनरेट होता है और प्रेशर जनरेट होने के कारण ही उसमें लोकोमोशन होता है और भी बहुत सारे फंक्शन होते हैं तो इस वर्क्स ऑन ब्रह्मा प्रेस मैकेनिज्म पे वर्क करता है इट इज ऑल्सो फॉर वाटर वास्कुलर सिस्टम इज ऑल्सो फॉर एम्बुलेटरल सिस्टम इसको एम्बुलेटरल सिस्टम भी कहते हैं तो नेक्स्ट सबसे पहला जो इसमें ऑर्गेन है जो पार्टिसिपेट करता है वो है मेड्रिफोराइड तो मेड्रिफोराइड जो है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है तो ये सी स्टार हो गया सी स्टार का ये ओरल सरफेस है ओरल सरफेस में यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है और इसके जस्ट अपोजिट साइड ये एबोरल सरफेस है ये सीधा वाला पार्ट हो गया और ये उसका उल्टा ये माउथ वाला पार्ट हो गया ये उसका ये वेंट्रल साइड का हो गया ये डॉर्सल साइड का हो गया तो वेंट्रल साइड में यहाँ पे माउथ होता है और यहाँ पे डॉर्सल साइड में एबोरल सरफेस यहाँ पे एट द बेस ऑफ वाईबीएम यहाँ पे वाईबीएम के बेस पर इसके अंदर कैल्केरियस रिजेस प्रेजेंट
ग्रीन कैनाल। तो मेट्रोपोराइड तक पानी को पहुंचा दिए थे, अब मेट्रोपोराइड से पानी को कहां लेके आना है? स्टोन कैनाल में लेकर के आना है, जहां तक नहीं लेके जाता है स्टोन कैनाल में लेके जाना है। स्टोन कैनाल में लेकर के आए ले जाते हैं क्या? छोड़ देंगे तो बेचारा नहीं ना जी पाएगा। इसको लेकर के आ गए यहाँ पे स्टोन कैनाल में। स्टोन कैनाल में आया, यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही वाटर आया तो ये रिजेस से वाटर टकराया। रिजेस से क्या होगा, वाटर टकरा, जैसे ही यहाँ से वाटर टकराया तो इसमें क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा और यही प्रेशर जनरेट होगा तो ये वाटर प्रेशराइज वाला वाटर हो जाएगा। ये प्रेशराइज वाटर उसके बाद कहाँ पहुंचेगा, रिंग कैनाल में पहुंचेगा। तो रिंग कैनाल नेक्स्ट हम लोग बनाएंगे, इस तरह से रिंग कैनाल था यहाँ पे, है ना जी। तो ये जो रिंग कैनाल है यहाँ पर अपना ये प्रेशराइज्ड वाटर पहुंच जाएगा। तो चलो यहाँ पे तो पहुंचा दिया, स्टोन कैनाल में पहुंचा दिया वाटर। अब यहाँ से कहाँ लेके चलना है, रिंग कैनाल। तो नेक्स्ट हम लोग लेके चलते हैं इसको रिंग कैनाल। तो तीसरा हो गया रिंग कैनाल। रिंग कैनाल जो होता है, जैसे कि अभी हमने मेड्रिपोराइड पढ़े थे, बोरल सरफेस पर था, उसी तरह मिड डोर्सो वेंट्रली, मतलब कि वेंट्रल और डोर्सल के बीच में, वेंट्रल और डोर्सल के बीच में एक कैनाल प्रेजेंट होगा जिसको क्या कहेंगे, वेंट्रल और डोर्सल के बीच में एक कैनाल प्रेजेंट होगा जिसको क्या कहेंगे, रिंग कैनाल। रिंग कैनाल का स्ट्रक्चर भी देख ही लेते हैं, वैसे कल तो देख ही लिए हैं, एक बार देख लेते हैं। कल देखा होगा कि नहीं देखा होगा, इस तरह से रिंग कैनाल का स्ट्रक्चर था। तो वाटर मेट्रोपोराइड से कहां लेके आ गए थे, स्टोन कैनाल तक लेके आ गए थे। अब वाटर को कहां लेकर के आना है, ये रिंग कैनाल में लेकर के आना। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, सबसे लेकर के आ पाएंगे। तो ये जो होता है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये मिड डोर्सल वेंट्रली प्रेजेंट होता है ना, ये कम्प्लीटली वेंट्रल साइड में होता है ना ही कम्प्लीटली डोर्सल साइड में होता है। तो मिड वेंट्रली दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर कैसा है, फाइव आर्म्ड है स्ट्रक्चर। तो पेंटागोनल स्ट्रक्चर है, कैसा स्ट्रक्चर है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर है। और ये कैनाल है, ये जो रिंग कैनाल दिख रहा है, ये रिंग कैनाल मस्कुलर और सीलिएटेड एपिथेलियम से बना होता है। किससे किससे बना होता है, मस्कुलर मस्कुलर और सीलिएटेड एपिथेलियम से बना होता है। तो इस तरह से ये रेडियल कैनाल
कैनाल में, लेटरल कैनाल के बाद अपना एम्पूला में जाएगा। जो एवरी आर्म जो होता है, जो भी प्रत्येक आर्म है, ये एम्बुलेटरल ग्रुप के पैरेलल होता है, ठीक है। इसके बॉडी में जो जितना ये है, जो भी ये है, तो उसमें ये इस तरह से एम्बुलेटरल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और इसी एम्बुलेटरल ग्रुप के पैरेलल में ये प्रेजेंट होता है ये प्रत्येक साइड। जैसे कि ये यहाँ पे इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना, इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके इसमें देख सकते हो, ये बनाए ना, दो हो गया, हो गया, ये हो गया। प्रत्येक आर्म में ये दिखा, एक साइड का दिखा है, तो प्रत्येक आर्म का जो ये निकलेगा रेडियल कैनाल होगा, होगा ना, ये रेडियल कैनाल हो गया। अब ये रेडियल कैनाल से ये प्रत्येक आर्म में इस तरह से क्या निकला होगा, लेटरल कैनाल निकला होगा, एक बड़ा और एक छोटा करके एरेस्ट किया होगा, सब में इसी तरह से होगा। तो इस तरह से ये अपना एरेस्ट करता है, और ये जो प्रत्येक आर्म है वो इसी तरह से बीच में यहाँ पे एम्बुलेटरल ग्रुप भी होता है, एम्बुलेटरल ग्रुप के ये पैरेलल में है, जिसे क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड रेडियल कैनाल। और रेडियल कैनाल से लगा होता है, रेडियल कैनाल इज कनेक्टेड, लेटरल कैनाल इज कनेक्टेड विद रेडियल कैनाल फ्रॉम वाटर, रेडियल कैनाल कम्स इनटू लेटरल कैनाल। तो वाटर रेडियल कैनाल से कहाँ आता है, लेटरल कैनाल में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? जो लेटरल कैनाल है इसको, लेटरल कैनाल को ट्रांसवर्स कैनाल भी कहते हैं, एंड इट अरेंज अल्टरनेटिवली वन बाय वन, वन रो इज स्मॉलर एंड वन रो इज लार्जर। तो ये अल्टरनेटिवली एक दूसरे का अल्टरनेटिवली, एक अगर लार्ज है तो एक छोटा होगा, एक फिर बड़ा है तो फिर एक छोटा होगा, इस तरह से ये अल्टरनेटिवली अरेंज रहता है, एक बड़ा और एक छोटा। तो ये टू रो में प्रेजेंट होता है, वन रो इज लार्जर एंड वन रो इज स्मॉलर एंड इट इज अरेंज अल्टरनेटिवली। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लेटरल कैनाल के बाद देखेंगे हम लोग ट्यूब फिट। इसके बाद ट्यूब फिट की, तो वाटर पहुंच गया था रेडियल कैनाल में, पहुंच गया था वहां से लेटरल कैनाल में भी पहुंच गया था। तो इस तरह से यहाँ पे लेटरल कैनाल को है ना, लेटरल कैनाल से तरह से ट्यूब फिट लगा हुआ था, स्ट्रक्चर बनाई, इस तरह से ये रेडियल कैनाल हो गया बीच में, रेडियल कैनाल से इस तरह से लेटरल कैनाल लगा हुआ है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और इस तरह से इसमें क्या लगा हुआ है, ट्यूब फिट लगा हुआ। ये हो गया रेडियल कैनाल, ये हो गया लेटरल कैनाल, ये हो गया तुम्हारा रेडियल कैनाल, और ये पूरा हो गया तुम्हारा ट्यूब फिट। ट्यूब फिट आर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज वाइडर पोर्शन इज एम्ब्यूला, मिड सॉलिड पोर्शन इज ट्यूब लाइक ए स्ट्रक्चर, सो इट इज कॉल्ड ट्यूब, एंड इट्स हेल्प इन एडहेशन, इट इज सकर। तो ट्यूब फिट में इस तरह से ऑर्गेन होता है, ट्यूब फिट जो होता है लेटरल कैनाल से जुड़ा हुआ है, लेटरल कैनाल से ट्यूब फिट जुड़ा हुआ है, देख रहे हैं। ट्यूब फिट किससे कनेक्टेड है, लेटरल कैनाल से, लेटरल कैनाल किससे कनेक्टेड है, रेडियल कैनाल से। तो जो ये ट्यूब फिट है वो इनडायरेक्टली रेडियल कैनाल से कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ लेटरल कैनाल। तो ये जो ट्यूब फिट है वो लेटरल कैनाल की हेल्प से किससे कनेक्टेड है, रेडियल कैनाल से। इसका बॉडी तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एम्पूला जो खुला हुआ सबसे ज्यादा वाइडर पार्ट है, चौड़ा हुआ पार्ट है, उसको एम्पूला कहेंगे, जो पतला सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको ट्यूब कहेंगे, और ये इस तरह से थोड़ा सा सकर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से इसको क्या कहेंगे, सकर कहेंगे, जो की क्या करता है, जहाँ भी जाएगा किसी भी सब्सट्रक्चर से जहाँ भी चलेगा उसको चिपकने में हेल्प करेगा। तो ये हो गया सकर। एम्पूला का जो शेप होता है वो ओवल होता है, थोड़ा सा इस तरह से ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है या स्फेरिकल होता है। यह लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल से बना होता है, किस मसल से बना होता है, लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल से बना होता है। तो एम्पूला का शेप हो गया ओवल या स्फेरिकल कह सकते हैं, या लॉन्गिट्यूडनल
problem, no any. और
स्मॉलर एनिमल होता है लार्वा, एक वो छोटा होता है एक वो बड़ा होता है। तो इस तरह से इसमें रेडियल कैनाल में वाटर आया और यहाँ से कहाँ आया, लेटरल कैनाल में आया। तो लेटरल कैनाल में जो वाटर आया तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक साइड में, एक साइड के पूरे एम्पुला में वाटर पहुंचा, एक साइड के पूरे एम्पुला में क्या हुआ वाटर पहुंचा। तो एक साइड के पूरे एम्पुला में जो वाटर पहुंचा तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर का होता है। ये बताया ही कि सर्कुलर लंग मसल से बना होता है, इसमें कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन इसी की वजह से होता है। तो ये इसमें क्या हुआ कि वाटर जब भरा तो ये क्या हो गया, फैल गया। क्या हो गया, फैल गया। तो ये जो फैल गया तो ये क्या करेगा, ये इसका जो लेग है इसका ये उठा करके अब ऐसे रखा है ना, तो ये उठा करके अब ऐसे रखा। तो फिर इसका जो इस ये जो रख दिया, अब इसका जो वाटर है वो इस साइड पे आ गया, इसका वाटर इस साइड आ गया। उसके बाद क्या करेगा, ये इधर वाले इसको रख दिया था, इधर वाले को रखा, फिर इधर जो जाएगा इधर का वाटर खुला हुआ है, फिर इधर से इधर आएगा, तो फिर इधर का जो है वो इधर आएगा, इधर का इधर, इस तरह से ये अपना चलता रहता है। तो इस तरह से इसका लोकोमोशन होता है, सबसे पहले एक साइड में आएगा, एक साइड कैंपुला में आएगा, यहाँ पे आएगा, तो ये उसके बाद एक पैर को उठाएगा, उठा करके सकर की हेल्प से यहाँ पे जा करके जो है चिपक जाएगा, फिर दूसरे को उठाएगा, फिर वहाँ इस तरह से अपना ये चलता रहेगा। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ लोकोमोशन कि हाउ कॉन्ट्रेक्शन एंड एक्सपेंशन अकर्स इन एस्टेरिया, किस तरह से कॉन्ट्रेक्शन और एक्सपेंशन होता है एस्टेरिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं।